कल आपने एक इंटरव्यू में ये बात की कि हम आने वाले दिनों में कैपिटल स्मार्ट सिटी में 5 साल के लिए जो मेम्बरान हैं उनको टैक्स की राय दे रहे हैं, तो सर इस हवाले से कुछ बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए आज का जो सेशन है ना, वो हमारा जो फ्यूचर में टैक्स की अभी जो नया आया है बजट या बिल पास हुआ है उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। और इस टैक्स में जो इंक्रीज़ है उसके बारे में जो प्रोपेगेंडा नज़र आ रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में ख़ासकर, और हमारे टीवी चैनल्स पे भी, उस पर मेरा ख्याल है कि हम बात करें। और आखिर में हमारे चेयरमैन साहब ने और हमारी टीम जो है, हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, उसने डिसाइड किया है कि अगर ज़्यादा प्रेशर है लोगों पे तो हम ऐसा कोई नया सेक्टर लॉन्च करें जहाँ पे टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्यू ईयर वो हमारी कंपनी की हो। तो इस सिलसिले में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले जो टैक्स है, जो अभी बजट आया है नया या जो टैक्स बिल पास हुआ है, उसमें मेरे अपने अंदाज़े के मुताबिक टैक्स कोई नहीं बढ़ा। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ ना कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो मोस्टली जो फर्स्ट कैटेगरी है 50 मिलियन वाले स्लैब के अंदर ही फॉल करते हैं। हमारा कोई भी प्रोडक्ट इस वक्त तक 50 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, सिवाय 8 मरला के जो कमर्शियल प्लॉट आएंगे हमारे फ्यूचर में मेन बुलेवार्ड पे, वो 50 से थोड़े ज़्यादा होंगे। मगर बाकी हमारी जो 99% जो प्रोडक्ट हैं वो अंडर 50 मिलियन है। तो पहले भी वो जो 236C और 236K दोनों का जो स्लैब है वो विदाउट स्लैब था 3%, अभी 50 मिलियन तक जो स्लैब 3% है, इट मीन्स ज़ीरो इंक्रीज। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी और रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान, शोधा साहिवाल और जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं रियल इस्टेट के, 99.999% जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर 0% इंक्रीज़ है टैक्स की, नंबर वन। तो ये बात सबको पता है और क्लियर है। और नंबर टू, जो प्रोडक्ट हमारी बहुत 0.01% है, जो कि थोड़े से कमर्शियल होंगे, उस पर अगर वो 50 to 100 है उसके ऊपर बड़ा जो इंक्रीज़ है सिर्फ 0.5% है, जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। और अगर 100 से ज़्यादा है वो 1% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 4% है। और नंबर टू ये भी है कि ये दोनों टैक्स जो एडवांस टैक्स हैं, और जितना भी आप पे कर दें, आप 3 से 5 भी कर देती है गवर्नमेंट, तो ये एडवांस टैक्स थे, ये आपने जो भी टैक्स पे करना है फाइलर ने उसमें एडजस्ट होना है, एनुअल रिटर्न में एडजस्ट हो जाता है। तो अगर वो जो हमारा 0.01% जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो इंक्रीज़ हुआ भी है अगर 0.5%, तो वो एडजस्टेबल है वो भी। तो जो ओरिजिनल था 3% वो भी एडजस्टेबल है, और वैसे भी एडजस्टेबल था, तो उसमें कोई बड़ा वो ड्रास्टिक कोई चेंज नहीं है, 0% इंक्रीज़ है। और आजकल जो ज़्यादा टैक्स की जो बर्डन डायरेक्ट है पेमेंट के ऊपर, वो सिर्फ यही दो थी, बाकी कोई नहीं है। अब FED का बड़ा शोर हुआ हुआ है कि वो 5% थी, उस सिलसिले में हमारी मीटिंग भी मिनिस्टर से, अब वो और मुख्तलिफ अदारों से, उसमें हमने ये फिर हमने करवाया कि जो FED है, नंबर वन वो तो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बायर और सेलर की नहीं है मेरा ख्याल है जहाँ तक ना। नंबर टू वो जो फाइलर है उसकी 3% है, जो लेट फाइलर की जो है वो 4 है, और जो नॉन फाइलर उसकी 5 है, वो भी हमने 5 से 3 पे ले आए हैं। अभी उसमें ये है कि जो फाइलर होना वो इंतहा ज़रूरी है अब, और जो लेट फाइलर है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जिसने अभी कोई प्लॉट लेना देना है तो फाइल बन जाए फ़ौरन, ज़ाहिर है वो ही विल बी कॉल्ड लेट फाइलर, तो उसकी भी उसका भी ख़त्म करना पड़ेगा उसका चार्म, क्योंकि वो डे वन से ही फाइलर रहे, आप फाइलर बन जाएं, आप कोई रिटर्न जमा ना कराएं, क्योंकि आपने तो कोई चीज़ आपने प्रॉफिट शो ही नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं ले रहे तो आपको फाइलर बनने में कोई नुकसान नहीं है, आपने फाइलर बनना है और आपने अपनी फाइल जमा करवानी है। और अगर आप फाइलर हैं और आपकी इनकम है तो आपको टैक्स पे करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, वो हमारे इस टैक्स पे ही सही होनी है। कि अपना कोई मिनरल या ऐसे कोई गोल्ड माइन तो है नहीं, हीरे की माइन नहीं है हमारे पास अफ्रीका की तरह, कि वहाँ से गोल्ड निकल रहा है या हीरे निकल रहे हैं बेच के हम जो तरक्की करेंगे, हमारी जो टैक्स से ही हमारा सारा जो निज़ाम है वो चल रहा है। और हम सुबह आराम से उठते हैं, शाम को आराम से सोते हैं, सुकून से रहते हैं, हमारी पाकिस्तान आर्मी पुलिस हमारी हिफाजत कर रही है, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। तो जो सबसे बड़ा रिटर्न है हमारे टैक्स का, वो हमारी आज़ादी है और हमारी सेफ्टी है, उसके लिए हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए।
और मेरा ख्याल है कि ये हम जब कहते हैं कि हम तो टैक्स बहुत दे रहे हैं, हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी आज़ादी और हमारा सुकून से सोना रात को यही हमारा रिटर्न है, क्योंकि हमारे टैक्स से इधर है जो अदारे चल रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट होनी है, आगे पावर हाउस लगने हैं, रोड्स बननी हैं, मोटरवेज बननी, जो हम इन्जॉय करते हैं उसको, ज़ाहिर है। तो जो फाइलर नहीं है उसको फाइलर बनना चाहिए, और जो बेनिफिट्स हैं जो नॉन फाइलर की शक्ल में जो नुकसान है उसको फ़ायदा उठाते हुए उसको फाइलर बनना चाहिए। और फाइलर का कोई बड़ा नहीं है, हमारे प्रोडक्ट के केस में तो कोई नहीं रेट बड़ा टैक्स जो है, तो बड़ा वो क्लियर है। और मैं बार बार ये बता रहा हूँ अपने मेंबर्स को भी, अपने लोगों को भी, आप सब लोगों से भी मैंने बात की है अक्सर, कि जो प्रोपोगंडा है वो बहुत गलत है, और वो हमारे पाकिस्तान को और हमारे कंट्री को डिफेम करने के लिए ये सारा कोई प्लान किया जा रहा है, और चीज़ें मार्केट में ला रहे हैं, सोशल मीडिया पर लाई जा रही हैं, और इसमें कोई हकीकत नहीं है, और सब मतलब आपके सामने है सारी सूरत हाल, उसमें कोई ज़्यादा वो बढ़ाव नहीं हुआ हुआ ना इंक्रीज़ हुआ हुआ है। इसमें सर मेरे ख्याल से एक चीज़ शायद आप भी सेकंड करेंगे, जो हमारे ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो तो अगर वो फाइलर नहीं भी हैं तो फाइलर ही कंसिडर होता है उनके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ, मेरे ख्याल से जो है, क्योंकि वो उनका फाइलर होने मेरे ख्याल से कोई इसमें वो एवरी नाइकअप होल्डर इज़ अ फाइलर, जो नाइकअप होल्डर हैं वो फाइलर ही हैं, फाइलर ना भी हों हाँ जी निकल आएंगे, तो उनका नॉन फाइलर वाला जो बर्डन है वो नहीं आता, बिल्कुल ठीक है, फाइलर वाली चीज़ें आती हैं। मैं थोड़ा सा आपको भी सेकंड करूंगा कि हम ये जो बात कर रहे होते हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर ये होता है कि हम अक्सर चीज़ें जो फॉरवर्ड करते हैं वो बगैर देखे भी कर देते हैं, इस वजह से नेगेटिविटी भी ज़्यादा हो रही होती है, और इवेंचुअली देखा जाए तो उसमें एज अ कंट्री वो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होता है, एज अ नेशन हमारा नुकसान हो रहा होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा इमेज है उसका एक जो नुकसान है वो चल रहा होता है। अगेन बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन, अभी जो मैंने सवाल किया था मेन वो ये था कि 5 साल के लिए हम अपने मेंबरान को टैक्स से रियायत दे रहे हैं, उसके हवाले से आपने देखिए वो ये है कि अभी हम अभी चंद दिनों में एक प्रोग्राम आपके सामने लेके आना चाह रहे हैं, हमारे जो सेल पार्टनर्स हैं और जो लोग हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी डिमांड है लोगों की, और स्पेशली जो फॉरेन में हमारे मेंबर्स हैं या जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिल सका था वो ऑन बोर्ड थे और रबते में रहे हमारे साथ, तो उनकी डिमांड है कि वो दे वांट टू कम टू पाकिस्तान, उनका अपनी हाउसिंग की डिमांड है, उनको पूरा करने के लिए हमारा ख्याल है कि हम एक सेक्टर नया लॉन्च करेंगे इसी साल में, और इसी जो कि हालांकि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है कि टैक्स का इतना बर्डन है नहीं है जितना शोर किया जा रहा है, मगर फिर भी हम उसको टैक्स फ्री सेक्टर के तौर पर मुतारफ़ कराएँगे इंशाल्लाह ताला, और उसमें जो हमारे फर्स्ट बायर्स होंगे, जो हमारे बायर होंगे उनके ऊपर जो जितना भी पेमेंट प्लान होगा, जितने साल का भी होगा, 3 साल का 4 साल का, वो उस दौरान जो टैक्स है वो हमारी कंपनी के ज़िम्मे होगा, वो आप लोगों को या जो हमारे क्लाइंट होंगे उनको नहीं उस पर बर्डन आने देंगे, हम अपने ज़िम्मे लेंगे। सर यही जो अभी 5 साल के अब टैक्स पे जो रियायत दे रहे हैं मेंबरान को, ये सिर्फ नए सेक्टर पे रियायत होगी या जो अभी हमारे पास करंट डेवलप्ड हो चुके हैं सेक्टर्स जहाँ पे कुछ इन्वेंट्री भी लॉन्च होनी है, जैसे गोल्फ कोर्स के विलास हैं या जैसे मेन रोड पर कमर्शल्स होंगे, इन पे भी टैक्स की स्लैब की रियायत होगी या सिर्फ और सिर्फ ये मोटरवे के राइट साइड पे जो ब्लॉक लॉन्च हो चुके हैं, जिस सेक्टर में भी हम टैक्स फ्री करेंगे वो अनाउंस करेंगे साथ हम उसको, वो स्पेसिफिक सेक्टर्स होंगे, ये भी उसे विलास भी शामिल हों, मगर जो सेक्टर हम अनाउंस करेंगे कि ये टैक्स फ्री है और उसके टैक्स की रिस्पांसिबिलिटी हमारे ऊपर है तो हम साथ पहले बताएंगे।